एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, क्लास 12th का। एज वी नो, लास्ट मैंने आप लोगों को जितने भी कंपोनेंट्स थे, तीन कंपोनेंट्स थे आपके, जेनेटिक वेरिएशन वाले, आइसोलेशन वाले एंड आपका नेचुरल सिलेक्शन वाले, लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। और जो हम लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट करना था वो था आपका मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो किस मैकेनिज्म पर बेस्ड है, तो इसी को स्टार्ट करते हैं। वन हैज टू गिव द इम्पोर्टेंस टू द पॉपुलेशन व्हाइल कंसिडरिंग द मैकेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, जो हमारी डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, प्लस और आने वाली जो मतलब जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसमें इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन का। इट इज द पॉपुलेशन दैट इवॉल्व, नॉट इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। यहाँ पर जो भी कोई पॉपुलेशन आती है, सपोज करिए जैसे 19th सेंचुरी की, 20th सेंचुरी की, 21st सेंचुरी की, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन का इवोल्यूशन हो रहा है वो ग्रुप में हो रहा है, ना कि किसी इंडिविजुअल मेंबर का। कि 19th सेंचुरी में 40 लाख लोगों ने बर्थ लिया, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक लोगों का, एक पर्सन का इवोल्यूशन हुआ, बाकी का नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी, इसमें जितने भी पॉपुलेशन आई, जितने भी बच्चों ने जन्म लिया, वो सब लोगों इवॉल्व होके आए। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल मेंबर ही इवॉल्व हुआ है। इंडिविजुअल्स रोल इज पास्ड टू इट्स जेनेटिक वेरिएशन टू इट्स ऑफस्प्रिंग। बस इवोल्यूशन में होता क्या है कि उनके जो एंसेस्टर्स होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, उनका वेरिएशन उस ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे जितनी भी पॉपुलेशन, जितने भी बच्चों ने बर्थ लिया, जन्म लिया, उन सभी के अंदर एक जैसे कैरेक्टर आ जाए। That's not possible. Evolution होगा, उनके बॉडी में characters में changes आएंगे, evolution होगा, but that doesn't mean कि वो character same होंगे, क्योंकि जो baby produced हुए हैं, वो तो different parent से produced हुए हैं ना, और different parent का जो gene होगा, या फिर उनके gene में जो changes हुए होंगे, सबके अलग अलग होंगे, और उन parent के gene अपने अपने बच्चों में गए होंगे, ऐसे ही हुआ होगा। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हुए, जो बेबीज आए उस टाइमिंग पर 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में, हर किसी का अपना अलग जेनेटिक वेरिएशन था। द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रोसेसेस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट इवोल्यूशन। इससे पहले हम लोग देख ही चुके हैं कि जब किसी बेबी, कोई भी बेबी, कोई भी पॉपुलेशन इवॉल्व होके आती है, चेंज होके आती है, तो किस वजह से होती है? म्यूटेशन की वजह से। लास्ट वीडियो में बताया था दैट व्हाट इज म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन में, जीन फ्लो की यानी कि माइग्रेशन की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, आइसोलेशन की वजह से, या फिर स्पीसिएशन की वजह से। इनमें से कोई भी प्रोसेस हो सकती है जो किसी भी पॉपुलेशन को इवॉल्व करती है। के बाद सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन लेके आते हैं, तो उन्हीं फैक्टर्स को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले म्यूटेशन है, दीज आर परमानेंट हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन आर ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर, एंड जीन म्यूटेशन प्रोड्यूसेस न्यू एलील्स व्हिच आर एडेड टू जीन पूल। म्यूटेशन हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। म्यूटेशन क्या है कि किसी पेरेंट के अंदर उनके जीन में जो परमानेंट चेंज आ जाता है, राइट किसी पेरेंट के जीन में जो परमानेंट चेंज आ जाता है, और वही चेंज उनके जनरेशन में पास होता चला जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। इसके पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब जीन म्यूटेशन क्या करते हैं, ये जीन म्यूटेशन की वजह से जो आगे आने वाली जनरेशन है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। यही हम बात करते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन की। जीन रिकॉम्बिनेशन को यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मेल और फीमेल,
दो अलग अलग हैं, दो पर्सन से अलग अलग, मेल और फीमेल। मेल की बात करें तो इसके जीन अलग होंगे, यही हम फीमेल की बात करें तो इसके जीन अलग होंगे। दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया और दोनों के इसको ले लेते हैं जी1, इसको ले लेते हैं जी2। तो यहाँ पर जब दोनों जीन कॉम्बाइन हो गए, रिकॉम्बिनेशन किया ना उन्होंने, रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि भाई मेल और फीमेल के अलग अलग थे, लेकिन फर्टिलाइज होने के बाद वो दोबारा से कॉम्बाइन हुए। जीन रिकॉम्बिनेशन हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एक थर्ड टाइप का जीन आया, G3। तो तभी तो कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेबी प्रोड्यूस्ड होता है वो कभी भी अपने पेरेंट्स की तरह क्लोन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों के जीन डिफरेंट है, और जब दो डिफरेंट जीन रिकॉम्बाइन होंगे तो एक थर्ड टाइप का जीन बन जाएगा जो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट से डिफर होगा। दैट मीन उसमें मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर चले जाएंगे, जिससे वो तीसरा कैरेक्टर बनाएगा, मतलब अपने काम थोड़े से अपने तरीके से। ये है जीन रिकॉम्बिनेशन। एक आता है हमारा जीन फ्लो। जीन फ्लो में आ जाता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ जीन ड्यूरिंग इंटरब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन दैट आर जेनेटिकली डिफरेंट एज एक्सप्लेन अर्लियर। यहीं पर हम जीन फ्लो की बात करें तो जीन फ्लो में क्या होता है कि सपोज करिए कि दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक माउंटेन के हैं, कुछ डेजर्ट के पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो माउंटेन पे जो पर्सन रहते हैं उनके जीन अलग होंगे, और जो डेजर्ट में पर्सन रहते हैं उनके जीन अलग होंगे, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि माउंटेन वाले पर्सन को अपनी जॉब के लिए डेजर्ट में जाना पड़ा, और वहां पे जाके उसने शादी कर ली और बेबीज को प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इस माउंटेन वाले के जीन थे इस डेजर्ट वाले जीन के साथ कॉम्बाइन हुए, और जो बेबी में जीन आए वो क्या हो गए, थोड़े से डिफर हुए। यही हम बात करें, इसका उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है डेजर्ट वाला पर्सन माउंटेन पे चले जाए, वहां के जीन के साथ नया बेबी प्रोड्यूस करें। तो ये क्या है, जीन फ्लो है। यानी कि एक स्मॉल ग्रुप को छोड़ के जब कोई पर्सन दूसरे स्मॉल ग्रुप पे जाता है, नई जगह, नई एनवायरमेंट में, नई कंडीशन में जाता है, तो उसके जीन भी किसी और के साथ कॉम्बाइन करेंगे, किसी दूसरे फीमेल के साथ या मेल के साथ शादी के बाद, और जो बेबी प्रोड्यूस्ड होगा वो कहीं ना कहीं डिफर होगा। और ये माइग्रेशन या इमिग्रेशन किसी की वजह से भी हो सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जीन फ्लो। एक आता है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला, एनी ऑल्टरनेशन इन एलील फ्रीक्वेंसी इन द नेचुरल पॉपुलेशन बाय चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वाज फर्स्ट गिवन सिवेल राइट हैज कॉल्ड एज सिवॉल राइट इफेक्ट। पहली बात तो ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले सिवॉल राइट ने दिया था, इसीलिए हम लोग इसको सिवॉल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसको ना एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट समरी से पढ़ के करेंगे, नहीं आएगा आप लोगों को समझ में, इतना तो मेरे को पता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझिए करते हैं, एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। देखिए, एलिमिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एलील फ्रॉम अ पॉपुलेशन ड्यू टू इवेंट्स लाइक एक्सीडेंटल डेथ प्रायर टू मेटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट आर एंडम और डायरेक्शनलेस। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट कि सपोज करिए कि यहाँ पर माउंटेन एरिया ले, ठीक है, मैंने माउंटेन एरिया ले लिया। माउंटेन एरिया में कुछ पर्सन रहते हैं, बहुत सारे पर्सन रहते हैं, सपोज करिए 20,000 पर्सन रहते हैं, 20,000 पर्सन रहते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अचानक से लैंडस्लाइड हो गया, ओके, हो सकता है बार बार कभी भी हो सकता है, चांसेस है, जिसमें से 5,000 लोगों की डेथ हो गई। तो ये जो 5,000 लोगों की डेथ हुई, इनके अंदर जो जीन होगा बाकी के जो 15,000 लोग बचे हैं उनसे तो डिफर ही होगा ना, किसी का जीन सेम नहीं होते, सबके डिफर होते हैं। यहाँ पे 20,000 लोग रहते हैं, 20,000 लोग में से 5,000 लोगों की जान चली गई और बाकी के बचे 15,000, और इन दोनों का जो जीन होगा एक दूसरे से डिफर होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों ने एक्सीडेंटल नेचुरल कैलमिटी की वजह से जो 5,000 लोगों का एक न्यू जीन था उसको हमने लॉस्ट कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया। यानी कि अगर वो 5,000 लोग जिंदा होते जिसमें डिफरेंट जीन है, वो अपने बेबीज को प्रोड्यूस करते मेटिंग प्रोसेस से, तो वो जो बेबीज आते कितना हो सकता है, बहुत ज्यादा एडवांस होते, बहुत ज्यादा इवॉल्व होके आते, लेकिन वो चांस हमने क्या कर दिया, खो दिया, एक सेकेंड। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट आर डायरेक्शनल लेस। जेनेटिक ड्रिफ्ट डायरेक्शनल लेस होता है, कभी नहीं पता कब किस वजह से क्या हो जाए, कहाँ हो जाए।
एंड द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोर सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन देन इन लार्ज पॉपुलेशन। और ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट है ये स्मॉल पॉपुलेशन पे ज्यादा पड़ता है कंपैरिजन टू लार्ज पॉपुलेशन। अब एक बात कर लिए, सपोज करिए कि 1 करोड़ लोग हैं कहीं पे, एक जगह पे 1 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से 2 लोग की जान चली गई, 2 लोगों की डेथ हो गई, तो जो 2 लोगों का डेथ हुई है ठीक है उनके जीन डिफरेंट होंगे कंपैरिजन टू 1 करोड़ पीपल, लेकिन क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा कि 1 करोड़ में से 2 लोग मर गए, उनके जीन खत्म हो गए भाई? और अगर उनके जीन प्रेजेंट होते, वो बेबी प्रोड्यूस करते, तो हमारे बड़े अच्छे बच्चे इवॉल्व होके आते, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मैंने अभी एग्जांपल लिया कि किसी जगह पे गांव में 20,000 लोग रहते हैं जिसमें से 5,000 लोगों की डेथ हो गई है, 15,000 बचे, तो 5,000 का जो एक दुख है जीन खोने की बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा है कंपैरिजन टू 2 people एंड इन 1 करोड़ पॉपुलेशन। सो दिस इज द रीजन। एंड ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट सम एलील्स ऑफ पॉपुलेशन आर लॉस्ट और रिड्यूस्ड बाय चांस। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि जिस पॉपुलेशन में जो कुछ एलील्स हैं, जो नए जीन है, नए टाइप के कैरेक्टर है, लॉस्ट हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं किसी भी चांस की वजह से, एंड सम अदर्स मे बी इंक्रीज्ड। एंड इन सम टाइम अ फ्यू इंडिविजुअल बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन एंड दे प्रोड्यूस न्यू पॉपुलेशन इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। उसके बाद क्या होता है कि जो 5,000 लोगों की डेथ हो गई है, वो जीन तो हम लोगों ने लॉस्ट कर ही दिए हैं, बाकी के जो 15,000 बचे हैं उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, गांव को छोड़ के बाहर शहर की तरफ सिटी में मूव ऑन कर जाते हैं, और सिटी में मूव ऑफ करने के बाद अपने बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से न्यू पॉपुलेशन, न्यू एरिया, न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या करती है, ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हमने एक जेनेटिक ड्रिफ्ट खो दिया। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि 5,000 जीन को हमने लॉस्ट कर दिया। अगर ये 5,000 जीन सिटी में जाते, अपने बेबीज को प्रोड्यूस करते, तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन और हमारे पास इवॉल्व होती। सिर्फ चांसेस थे, हम ये नहीं कह रहे कि श्योर होता ही होता, सिर्फ चांसेस लेके चलते हैं, प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ न्यू पॉपुलेशन बिकम डिफरेंट एंड द ओरिजिनल डिफरेंट पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। अ बॉटल नेक इफेक्ट इज सीन व्हेन मच ऑफ अ पॉपुलेशन इज किल्ड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, ओनली अ फ्यू रिमेनिंग इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट टू बिगिन अ न्यू पीपल। अब यहाँ पे जो एलील फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो नई पॉपुलेशन आई, वो अपने डिफर होगी, डेफिनेट सी बात है, अपनी ओल्डर पॉपुलेशन से डिफर होगी, राइट? एंड बिकम्स फाउंडर, फिर जो हमारी नई पॉपुलेशन आती है ना, वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से क्या होती है, बिल्कुल डिफर होती है, और इनको हम लोग बोलते हैं फाउंडर्स। फाउंडर्स क्यों बोला, क्योंकि ये जब अपने बेबी, ये जो न्यू पॉपुलेशन आई है, ये अपने न्यू बेबीज को प्रोड्यूस करेगी जो इनसे भी ज्यादा एडवांस्ड होंगे, तो क्या हुआ, फाउंडर हुए ना, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। और इसके अलावा अगर हम लोगों की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन किल्ड हो गई है किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, और बाकी के जो रिमेनिंग इंडिविजुअल्स बचे हैं सिर्फ वही न्यू पॉपुलेशन को बिगेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, बाकी के जो मर गए हैं, यानी कि जो हम लोगों ने जीन खो दिया, उसका कहीं ना कहीं हमें दुख तो होता ही है जो लॉस्ट हो गए हैं। एक आता है हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन, दैट इट इज अ प्रोसेस बाय विच बेटर एडेप्टेड इंडिविजुअल with useful variations are selected by nature and leave greater or more number of progenitors. Natural selection हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या होता है natural selection? कि किसी भी environment में जहाँ हम रहते हैं, उस environment के changes को adapt करना अपने survival के लिए, क्योंकि जैसे जैसे environment change होता है, वैसे वैसे हमें अपने अंदर भी changes लाने पड़ते हैं habitat में, characters में, क्योंकि अगर हम नहीं लाएंगे तो वहां के माहौल में ढल नहीं पाएंगे, और वहां के माहौल में नहीं ढलेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए इसका, कि पहले के टाइमिंग पर क्या होता था कि जैसे हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो हस्बैंड जॉब करता था, ठीक है, और पहले इतनी महंगाई भी नहीं थी, इतनी सारी चीजें मतलब नहीं थी, ठीक है, अपना हस्बैंड 20,000-30,000 जितना कमाता था उसे घर चल जाता था। बट एट प्रेजेंट टाइमिंग पर देखा जाए, इट्स नॉट पॉसिबल 20,000-30,000 में घर चला पाना, मतलब मिडिल एकदम
होता है ना लोअर क्लास, वो चीज होती है। तो प्रेजेंट टाइमिंग पर अगर गर्ल्स पढ़ेंगी नहीं, बाहर नहीं निकलेंगी, जॉब नहीं करेंगी, यानी कि न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं करेंगी, उसके कैरेक्टर्स में चेंज नहीं लाएंगी, इट्स नॉट पॉसिबल कि जो आने वाला एनवायरनमेंट है, जो इतनी सारी चीजें बदलने वाली है, उसमें लोग आग सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग नहीं करेंगे, अगर मदर आज से ही पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगी, पढ़ने से जैसे जॉब स्टार्ट नहीं करेंगी, सभी चीजों को हैंडल करना स्टार्ट नहीं करेंगी, तो उनके बच्चों में भी वही आदत आएगी। बच्चे भी जो फीमेल गर्ल्स होंगी, जो फीमेल बेबीज होंगी, गर्ल्स होंगी, बेबी गर्ल होंगी, उनके अंदर ये आदत नहीं आएगी, उनके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, वो भी अपने मदर की तरह बनेगी हाउसवाइफ, और फिर आगे जाके सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या है, ये नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन में भी हमारे टाइप्स होते हैं, दैट इज अ टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहला आता है यहाँ पर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसे हम लोग बैलेंसिंग सिलेक्शन भी बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या फिर बैलेंसिंग सिलेक्शन। इसमें दिया गया है आपका हेयर मोर इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन एक्वायर्ड अ मीन कैरेक्टर वैल्यू। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का मतलब है कि जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन तो हमने समझ लिया, नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि जो हम न्यू एनवायरनमेंट के चेंजेस को अडेप्ट करेंगे, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारे नए कैरेक्टर हैं उनको एक्वायर्ड करें। इट टेंड्स टू फेवर द इंटरमीडिएट फॉर्म्स एंड एलिमिनेट बोथ द फिनोटाइप एक्सट्रीम। फॉर एग्जाम्पल, मोर नंबर ऑफ इन्फेंट्स विद इंटरमीडिएट वेट सर्वाइव बेटर एज कंपेयर टू दोज हु आर वेट और अंडर वेट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो चीजें इन्होंने एक्सप्लेन करी है कि बैलेंसिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि अगर जब हम अपने बॉडी के अंदर, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बैलेंसिंग सिलेक्शन में पॉपुलेशन में सपोज करिए जैसे 100% पॉपुलेशन है, और 100% पॉपुलेशन में से 80% पॉपुलेशन ने अपने न्यू एनवायरनमेंट के कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड किया, राइट, ज्यादा से ज्यादा किया। अब यहाँ पर इन 80% पॉपुलेशन ने क्या किया, जो उनके पुराने कैरेक्टर्स थे, बहुत सारी चीजें थी, उसको एलिमिनेट कर दिया अपनी बॉडी से। क्योंकि अगर वो उस चीज को एलिमिनेट नहीं करते अपनी बॉडी से, तो आगे सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे इसमें एग्जांपल लिया कि जो इन्फेंट है, जो नंबर ऑफ इन्फेंट्स थे, सपोज करिए कि एक जगह पर 10,000 इन्फेंट्स ने जन्म लिया, डिलीवर्ड हुए, जिसमें से 8,000 इन्फेंट्स का जो वेट था वो अच्छा था, मतलब काफी ओवरवेट तो नहीं कह सकते, मतलब ठीक था, जिनका रिक्वायरमेंट होती है। बाकी के बचे यहाँ पर 2,000, जो 2,000 बेबीज का जो वेट था वो ओवरवेट था या फिर अंडरवेट था, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बेबी का वेट होता है वो कहीं ना कहीं उससे कम होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना अंडरवेट होना चाहिए। लेकिन जो 2,000 बेबीज है उनका वेट तो ज्यादा है, किसी का अंडरवेट है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो 8,000 वाले बेबीज हैं वो सरवाइव कर पाएंगे। एंड इट रिड्यूसेस वेरिएशन, जिसकी वजह से वेरिएशन रिड्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो 8,000 थे वो तो सरवाइव कर गए, लेकिन जो 2,000 है वो सरवाइव नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक चार्ट भी आपको एक थोड़ा सा बनाया गया है, एज यू नो दिस वन, ये टाइम पीरियड है, नाउ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले क्या हुआ, दिस वन पहले यहाँ पर है, पहले इस तरीके से टाइम ग्राफ दिखाया गया है लाइक दैट। ये क्या है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो पॉपुलेशन थी, जो नए बेबीज प्रोड्यूस्ड हुए, नई पॉपुलेशन ने, उन्होंने क्या किया, अपने नए एनवायरमेंट को एक्वायर्ड कर लिया। यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर ऑफ बेबीज ने भी अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस कर लिए। एंड इट डज नॉट लीड टू इवोल्यूशनरी चेंजेस बट टेंड टू मेंटेन फिनोटाइपिक स्टेबिलिटी विद इन पॉपुलेशन, देयरफॉर इट इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेबलाइजिंग सॉल्यूशन। देखिए, ये जो कैरेक्टर्स इन्होंने अपने अंदर जो बदलाव लेके आए, ये कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं है, ये कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता,
बस क्या होता है, अपने आप को एक एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए एक चेंज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, यानी कि बैलेंसिंग सिलेक्शन। जेनेटिकली स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन वेयर अ पॉपुलेशन इज अडैप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर पॉपुलेशन अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर रही है, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी का ये कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता। अब ये बेबी के वेट की बात करी जाए तो बेबी का वेट क्या है, ठीक है, जब वो पैदा हुआ तब तक तो नॉर्मल था, लेकिन बड़ा होगा तो जरूरी थोड़ी ना नॉर्मल ही रहे, मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। तो ये जो बेबी का वेट वाला चीज है, ये क्या उसके बच्चों में जो ट्रांसफर होगा उसकी जनरेशन में ट्रांसफर होगा? कभी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो एट प्रेजेंट एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए उसने उस चीज को अडेप्ट किया था, ना कि अपने बच्चों में पास करने के लिए। एक एग्जांपल और ले सकते हो, सपोज करिए यहाँ पर प्रेजेंट टाइमिंग पर क्या है, डॉक्टर की डिमांड ज्यादा ही हो रही है। अब एक बेबी है जहाँ उसके आसपास जो सोसाइटी में रहता है 90% जितने भी पर्सन है वो डॉक्टर है, ठीक है, वो डॉक्टर बन गया, राइट, क्योंकि उसके नेचर की डिमांड थी, जिस एनवायरमेंट में रह रहा था उस एनवायरमेंट की डिमांड थी कि भाई तू डॉक्टर बन, वो डॉक्टर बन गया। तो ये कि डॉक्टर वाला जो चेंज है, जो एडेप्टेशन है, किसके बेबी में जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जो जनरेशन आएगी, फर्स्ट जनरेशन, जरूरी थोड़ा है कि वो जिस सोसाइटी में रहे, जिस एनवायरमेंट में रहे, वह डॉक्टर ही रहेंगे, इंजीनियर बन गए या फिर डांसर है, तो वो क्या करेगा, इंजीनियर डांसर किसी चीज को तो अडेप्ट कर लेगा, क्योंकि उस टाइम की एनवायरमेंट की डिमांड कुछ और होगी। दूसरे टाइप का जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन होता है वो है डायरेक्शनल सिलेक्शन। इन दिस टाइप मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड वैल्यू अदर देन द मेन कैरेक्टर वैल्यू। यहाँ पर क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चा एनवायरमेंट की तरह, अगर जिस एनवायरमेंट में रह रहा है उस एनवायरमेंट के कैरेक्टर्स को अडेप्ट करे, ठीक है, करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उसको जो दूसरा एनवायरनमेंट है, मतलब एक एनवायरनमेंट के तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके कुछ खुद के भी सिलेक्शन होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, जिसको वो क्या करेगा, एक्वायर्ड करेगा। दैट मीन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स टू एलिमिनेट वन ऑफ द एक्सट्रीम्स ऑफ द फिनोटाइपिक रेंज एंड फेवर द अदर। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि यहाँ पर जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज हुआ उस एनवायरमेंट के कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड करना और जो पुराने कैरेक्टर्स हैं उसको एक्सट्रीम बिल्कुल एलिमिनेट कर देना, यही होता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑपरेट्स फॉर मेनी जनरेशन एंड इट रिजल्ट्स इन अ इवोल्यूशनरी ट्रेंड विद इन अ पॉपुलेशन एंड शिफ्टिंग अ पीक इन वन डायरेक्शन। अब देखिए इसमें ना एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पर ना हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मॉस्किटो का। अब आप कहेंगे मॉस्किटो एग्जांपल कैसे, देखिए मॉस्किटो में क्या हुआ, मॉस्किटो में दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि जब मॉस्किटो को पॉइजन प्रोवाइड किया जाता है तो वो मर जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आज के प्रेजेंट टाइमिंग पर मॉस्किटो को आप कितना भी पॉइजन दे दो वो सिर्फ बेहोश हो जाएंगे, लेकिन उनकी डेथ नहीं होगी। यानी कि उनके अंदर उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स अपने जीन में चेंज कर लिया कि उनको पॉइजन दे दिया जाए ना तो वो डेथ नहीं होंगे, बेहोश हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, यही होता है। लेकिन अगर हम उसी पॉइजन को उस मॉस्किटो को ज्यादा कंसेंट्रेशन में प्रोवाइड कर दें तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ उसने दोनों एक्वायर्ड कर लिए ना, उसके अंदर दोनों कैरेक्टर है अब, कि अगर जब हमने उसको थोड़ा सा पॉइजन दिया है तो वो बेहोश हो जाएगा लेकिन उसकी डेथ नहीं होगी, लेकिन इसी जगह पे पॉइजन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसने क्या किया, एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्वायर्ड कर लिया। अब वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पर कि एनवायरनमेंट में पॉइजन कम है तो वो बच जाएगा, सिर्फ बेहोश होगा, लेकिन इसी जगह पर पॉइजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और ये हमारा इवोल्यूशनरी होता है, इवोल्यूशनरी मतलब ये जो इसका कैरेक्टर है ना मॉस्किटो का, कि मतलब पॉइजन ज्यादा है तो मर जाएगा, पॉइजन कम है तो मतलब बेहोश होगा, मरेगा नहीं, ये आगे इसकी जनरेशन में ट्रांसफर
होता चला जाएगा, क्योंकि एक टाइप का केमिकल है जो कि इसके बॉडी जीन के अंदर एंटर होगा, और जब किसी कोई भी चीज इसके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर एंटर होती है, उसमें मॉडिफिकेशन करती है, देन क्या होता है, वो उसमें चेंजेस होते चले जाते हैं। ये है डायरेक्शनल सिलेक्शन, मतलब डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पर कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस ले आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ है ये है ओरिजिनल पॉपुलेशन, और यहाँ पे है ये सिलेक्शन के बाद यानी कि न्यू पॉपुलेशन। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं कंपैरिजन टू ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये जो आपको डायग्राम दिखाया है हर किसी में सेम मिलेगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। एक हो रहा है, एक होता है हमारा थर्ड टाइप का नेचुरल सिलेक्शन जो है डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। हेयर मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर्ड पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर क्या होता है, नेचर सिलेक्ट एक्सट्रीम फिनोटाइप्स एंड एलिमिनेट इंटरमीडिएट, हेंस टू पीक्स आर फॉर्म इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेट, एंड दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन इज रेयर। इट इंश्योर द इफेक्ट ऑन द एंटायर जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन कंसिडरिंग ऑल मेटिंग टाइप्स ऑफ और सिस्टम्स। देखो इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, जो ये वाली स्लाइड है आप लोगों की, ये मैं अभी बताऊंगी 4 पॉइंट्स, पहले इसको एग्जांपल देख लेते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द डिफरेंट बीक साइज ऑफ अफ्रीकन सीड क्रैकर फिंचेस, द बर्ड्स हैव डिफरेंट साइज ऑफ बीक एंड द फीड ऑन सीड्स। देखिए आप जानते हैं कि जो बर्ड्स का बीक का साइज होता है हर किसी का डिफरेंट होता है, और अपने बीक के साइज के बेसिस पर वो सीड्स को फीड करती है। द अवेलेबल सीड्स वर ऑफ टू काइंड्स, स्मॉल एंड लार्ज साइज। लार्ज बीक साइज बीक्स साइज बर्ड्स फीड्स ऑन लार्ज सीड्स, व्हाइल स्मॉल बीक साइज बर्ड्स फीड ऑन स्मॉल सीड्स एंड देयर नंबर वाज इंक्रीज्ड। इंटरमीडिएट बीक साइज बर्ड्स आर अनेबल टू फीड ऑन आइदर टाइप ऑफ सीड्स, सो देयर पॉपुलेशन वाज डिक्रीज्ड ग्रेजुअली एंड देन एलिमिनेटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब आ जाइए यहां पर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल सिलेक्शन, तो जानते हैं डिस्ट्रक्टिव का मतलब है जब किसी चीज में रुकावट आ जाती है, डिस्ट्रक्ट कर देना किसी चीज को, मतलब एक तरीके से रोक देना कह सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देना। अब यहाँ पर अभी आपने एग्जांपल क्या देखा कि यहाँ पर सपोज करिए दो टाइप, मतलब दो टाइप के बीट्स सीड्स हैं, लार्ज और एक स्मॉल। देखो जो बर्ड्स जिनकी बीट्स बीक क्या है, लार्ज है, तो वो क्या करेंगी, लार्ज वाले सीड्स को खा जाएंगी, और उनके पास ऑप्शन है कि वो स्मॉल सीड्स को भी खा सकती हैं, राइट। अब ऐसी बर्ड्स जिनकी बीक क्या है, स्मॉल है, तो वो कैसे सीड्स को खाएंगी, वो सिर्फ स्मॉल सीड्स को खा सकती हैं, लार्ज सीड्स को नहीं खा सकती। अब हम एक और टाइप, थर्ड टाइप की बर्ड ले लेते हैं। थर्ड टाइप की हमने बर्ड ले ली कि उसकी जो बीक है ना तो बहुत ज्यादा लार्ज है ना बहुत ज्यादा स्मॉल है, मीडियम है। बेचारी ये तो किसी भी टाइप के सीड को नहीं खा पाई, ना लार्ज के को खा पाई ना स्मॉल के को खा पाई, क्योंकि इसकी मीडियम थी, लार्ज नहीं थी तो लार्ज खा नहीं पाई, ज्यादा स्मॉल नहीं थी तो स्मॉल उसके मुंह में नहीं आए। तो ऐसी बर्ड्स में क्या होती चली गई, एक्सटिंक्ट होती चली गई, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि भाई वो डिस्ट्रप्ट हो गई, उनमें क्या हो गया, डिस्ट्रप्शन आ गया। उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था, फीनोटाइप था, फिजिकल अपीयरेंस था, वो किसी के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पाया, किसी के अकॉर्डिंग एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं चेंज हो पाया, ना तो लार्ज सीड के अकॉर्डिंग ना स्मॉल सीड के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से वो क्या हो गई, वो फिनिश होती चली गई, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन में, तो कोई इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाती है, ठीक है। बहुत सारे पर्संस होते हैं, अगर वो ढल नहीं पाते, अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, तो अपने एनवायरमेंट में वापस चले आते हैं। सपोज करो कोई गांव से शहर आया, नहीं उसको सेटअप बना, वो गांव से वापस चला गया, गांव वापस चला गया, ठीक है, दोनों कंडीशन है। लेकिन एक थर्ड टाइप का पर्सन भी होगा कि वो शहर में अपने आप को सेट भी नहीं कर पा रहा है, वो गांव भी वापस नहीं जा सकता, उसने अपना घर बेच दिया, कुछ भी कर दिया, उसे जगह ही नहीं है रहने की, क्या करेगा, ना तो वो शहर के माहौल में ढल पा रहा है ना गांव वापस जा सकता है, व्हाट विल डू।
एक टाइम आएगा कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा एंड ही विल डाई। ये होता है डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, कि उसने नेचर को एनवायरमेंट के जो चेंजेस थे उसको एक्वायर्ड भी नहीं किया, वापस भी नहीं जा पाया, डिस्ट्रप्ट हो गया, खत्म। पॉपुलेशन क्या हो गई यहाँ पे, खत्म हो गई। बट ये जो सिलेक्शन है बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि देखा जाए तो इंसान जीने के लिए अपने अंदर बदलाव कर ही लेता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली ओरिजिनल पॉपुलेशन थी और यहाँ पे ये नई वाली, कि किसी ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, किसी ने नहीं किया टाइम के साथ, किसी ने कर लिया। यहाँ पे ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे दो और बचे हुए हैं, आइसोलेशन और स्पीसिएशन वाले, लेकिन उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, आज से नहीं। इतना मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और डाउट नहीं होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय एंड थैंक यू।